हाय एवरीवन, मैं हूं रूबी और आप सभी का तारा मधु डायरीज में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं पहाड़ चढ़ने जा रही हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं रॉक क्लाइंबिंग, रैपलिंग और रोप का जो ब्रिज होता है वो क्रॉस, और साथ में डॉग शो, और मतलब बहुत ही मजे करने जा रही हूँ। हमारे यहाँ एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ है, तो मेरे बच्चों के टेस्ट हो गए हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों के बच्चों के चल रहे हैं, तो थोड़े कम ही फ्रेंड्स मेरे जा रहे हैं, बट मैं जरूर जाऊंगी। और आज मेरा फास्ट भी है, बट स्टिल मैं जाऊंगी। और ये सारे ब्लॉग में आपको ये सारी चीजें दिखाऊंगी। थोड़ा सा ये लंबा होगा ब्लॉग, लेकिन आपको मजा बहुत ही आएगा। और मैं भी अपना ये नया सा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैंने कभी ये सब किया नहीं है, तो बड़ी ही एक्साइटेड हूँ जाने में और ये सब करने में। तो चलिए फटाफट से मैं रेडी हो जाती हूँ और फिर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हम बस में आ गए हैं फ्रेंड्स। हम 5-6 ही लोग हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया बच्चों के एग्जाम है, तो जो जो लोग आ गए हैं वो मजे से बस में बैठ के जा रहे हैं। बहुत ही मजा आ रहा है हमको। मौसम बहुत अच्छा है अभी, यहाँ पर इतनी ठंड नहीं है, तो मैं देखिए बस में ही वीडियो बना रही हूँ। और बाहर का नज़ारा तो आप देख ही सकते हैं, ये जो गुवाहाटी है पहाड़ों से, पेड़ पौधों से इतना घिरा हुआ है ना, कि मतलब दिन में शाम में जब भी आओ बहुत अच्छा लगता है। नेचर के एकदम करीब आ जाते हैं ना। और यहाँ पर देखिए ब्रिज है, और ब्रिज के पास से जब निकल रहे थे तो इतना गजब का ये सीन लग रहा था ना, ये देखिए। और ये ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर से जब हम जा रहे हैं, तो मतलब क्या औसम नज़ारा है। और अभी मेरा इतना सारा एडिटिंग का काम है फ्रेंड्स, बट स्टिल हम जा रहे हैं। और ये देखिए, हम पहुंच चुके हैं। और यहाँ पर ना फ्रेंड्स, जैसे हम आए तो हमें बताया गया कि यहाँ बहुत ही बड़ा एक फेमस मंदिर भी है, और हमने सोचा पहले चलो अपनी घूमने की शुरुआत यहीं से करते हैं। तो और मेरा तो फास्ट भी था, तो हमने जाके थोड़ी पूजा भी कर ली। यहाँ पर मंदिर बंद था, फिर हमने इसको खुलवाया कि भाई आए हैं तो दर्शन करके जरूर जाएंगे। तो ये सब अपनी अपनी बातों में देखिए लगे हुए हैं। तो ये है वो जो भगवान जी शिव जी, और देखिए कितनी प्यारी मूर्ति है, कितने अच्छे से पेंट की हुई है। और छोटी सी कृष्ण जी का मंदिर भी है साइड में, तो मैंने सोचा मेरा भी फास्ट है भाई, थोड़ी सी पूजा कर लेती हूँ। तो बस हम वही कर रहे हैं, और सब लोग अपनी अपनी विशेस मांग रहे हैं, तो मैंने भी अपनी विश मांगी, भाई मेरी वीडियो को भी वायरल करवा दो। और तो क्या मांगेगा एक यूट्यूबर। तो ये देखिए, एक जो मेरी फ्रेंड है वो तो दूध भी लेकर आई थी, उनको पता था यहाँ मंदिर है, तो उनको और उनका खुद का भी मंडे का फास्ट था, तो बोली मैं तो मैम लेके आई हूँ। तो बस हमने सबने उनके हाथ पे हाथ लगा दिया कि हमने भी चढ़ा दिया। ये देखिए, तो पूजा वूजा कंप्लीट करने के बाद फिर हमने अपनी शुरू की अपनी घूमने की तैयारी। तो अभी क्या है, सीजन बहुत अच्छा है फ्रेंड्स, धूप भी है, बट वो धूप बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि सर्दियों की धूप तो होती हल्की है। तो अभी चलते हैं। यहाँ पर देखिए, पहले थोड़ी भक्ति दिखा रहे हैं हम, तिलक विलक लगा रहे हैं। देखिए मेरी बारी आई तो मैंने अपना कैमरा पकड़ा दिया कि भाई मेरा भी बना दो। और ये देखिए, जल चढ़ा दिया है, और अभी फटाफट से मैं भी पूजा कर रही हूँ। भगवान से बहुत कुछ मांगा, भगवान जी सुनते ही नहीं है। एक यूट्यूबर जो मांग सकता है ना, वो सब मैंने मांग डाला कि वीडियो वायरल करा दो, चैनल पे सब्सक्राइबर ला दो, मेरा कोई अच्छा सा वीडियो बढ़िया सी वायरल कर दो फ्रेंड्स, की मुझे फायदा हो, बच्चों के एग्जाम अच्छे जाए। और एक माँ, एक यूट्यूबर क्या मांग सकती है फ्रेंड्स, आप भी सोच सकते हैं। तो ये हो गई हमारी पूजा, और अब हम जा रहे हैं। और जाते जाते देखिए, यहाँ पर ग्रुप फोटो हो रही है हमारी, कि भाई मंदिर के आए हैं तो मंदिर की भी फोटो ले लेते हैं। तो दूर से भी ली, और एक मैंने अपने सेल्फी वाले कैमरे से भी ली। और अभी हम जा रहे हैं डॉग शो देखने। तो यहाँ पर कुछ चेयर वेयर अरेंज की गई थी, बट हमने यहाँ बैठे नहीं, क्योंकि हम जा रहे थे डॉग शो को देखने। तो फिर हम यहाँ से निकल लिए। हाँ, लौटते वक्त यहाँ पर खाना वाना खाएंगे, बट मेरा तो फास्ट है, बट जो बाकी लोग हैं वो यहाँ खाएंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, ये डॉग शो अरेंज किया गया है, और बहुत ही बढ़िया ये शो है, अभी आपको दिखाऊंगी मैं। और बड़े सभी लोग एक्साइटेड हो रहे हैं कि भाई देखेंगे, और डॉग कैसे देखेगा, अपने मास्टर का कमांड सुनते हैं। आप पूरा देखिए अच्छे से। तो यहाँ पर एक विसिल बजाइए, और वो देखिए कैसे लेफ्ट राइट करते हुए अपने मास्टर के संग आ रहे हैं। और ये सब ट्रेन्ड डॉग हैं फ्रेंड्स, ये इन्हीं के द्वारा पूरी तरीके से अच्छे से ट्रेन किया गया। और आप देख सकते हैं मिडिल वाले एक भैया के हाथ में एक फूलों का गुलदस्ता है ना, तो वो अभी आके हमारी सीनियर को एक देगा। तो अब देखिएगा डॉग कितना प्यारा, मतलब ये काम करते हैं, ये देखिए। तो यहाँ पर देखिए, उनको कमांड मिली है कि वो सावधान विश्राम हो जाएं। और फिर किसी डॉग मास्टर का, और साथ में डॉग का नाम लिया गया है कि भाई आप आगे आएं, और आज का हमारा जो चीफ गेस्ट हैं, जो कि हम ही हैं, उनको ये प्रेजेंट करें। तो देखिएगा कैसे वो अपने मास्टर की कमांड को सुन करके अपना ये काम और अपनी ये ड्यूटी करता है। तो ये जो मिडिल वाला डॉग है ना, इसका नाम बुलाया गया है, तो उनके मास्टर ने उसके मुँह में ये देखिए जो फ्लावर बास्केट है वो दे दी है, और अब ये सीधा आ करके आज के हमारे गेस्ट को ये देगा। तो हमारी जो सीनियर लेडी है, उन्होंने देखिए किस तरीके से इसे एक्सेप्ट किया, और उसे बहुत अच्छा लगा, ये देखिए। तो ये सब ट्रेनिंग का कमाल है फ्रेंड्स, इसको ट्रेन किया गया है कि आपको ऐसे करना है, और उसने वही अपना देखिए अपना काम किया, अपनी ड्यूटी की, फिर वापस वो अपनी जगह पर जाके खड़ा हो गया।
अभी ये सब आपको दिखना करके दिखाएंगे कि क्या क्या ट्रेनिंग में करते हैं, और उसके बाद लाइन से देखिए जैसे वो आए थे और वैसे ही लेफ्ट राइट करते हुए चले गए। और अभी देखिएगा फ्रेंड्स, ये एक सर्कल में कुछ कर रहे हैं कि जो इनका कमांडर है ना, ये उसी की बात को मानते हैं, और कोई अगर बाहर का आदमी आकर इन्हें खाना भी देगा ना तो ये नहीं खाएंगे जब तक इनका मास्टर जो है वो इनको कमांड नहीं दे देता है। तो देखिए कितने ओबीडियंट हैं डॉग हमारे। और ऐसे ही फ्रेंड्स, ये डॉग वगैरह ना जब कभी आपदा कोई आ जाती है तो उसमें बहुत हेल्प करते हैं। कोई अगर किसी मलबे में फंसा हुआ है, कोई इंसान लाइव है, तो उसको ये डिटेक्ट कर लेते हैं। जो इंसान नहीं कर पाते फ्रेंड्स, वो ये डॉग्स कर लेते हैं। तो बहुत ही मतलब ये ट्रेंड डॉग हैं। ये देखिए जा रहा है किसी को ढूंढने, इसको कुछ कमांड दिया है इसके मास्टर ने और ये सर्च कर रहा है। और जब इसे कोई लाइव डिटेक्ट हुआ तो इसने अपने कमांडर को बुलाया और देखिए इसको निकाल करके बाहर ला रहे हैं। तो बहुत ही मतलब ट्रेंड है ये, कहीं कोई गलती का तो चांस ही नहीं है। और यहाँ पर देखिए डॉग बंधा हुआ है और उसके पास एक बैग किसी ने छोड़ा है और उसको बोला गया है कि इसको गार्ड करो, तो कोई भी आसपास उसके आ नहीं सकता है जब तक उसका मास्टर वापस लौट के नहीं आता। तो ये सब ट्रेनिंग का ही कमाल है। और यहाँ पर देखिए जंपिंग रनिंग में तो ये बहुत ही एक्सपर्ट है, फटाफट से देखिए ये दौड़ जाते हैं जंप करके। और अभी पूरा टनल को देखिए क्रॉस करके आएगा, स्टेयर्स पे भी चढ़ गया है और एक पतला सा पाइप है उसके ऊपर भी सिर्फ देखिए जा रहा है डॉग। इसकी स्पीड स्लो हो गई है, इसको पता है मैं गिर सकता हूँ, धीरे धीरे चल रहा है और फटाफट से ये देखिए बाहर आ करके रेडी हो गया। और ऐसे ही सभी ने हमें करके दिखाया, फटाफट सबकी स्पीड थी, कोई थोड़ा धीरे चल रहा था, कोई ज़्यादा तेज चल रहा था, कोई डॉग एक्टिव है, कोई बहुत ज़्यादा एक्टिव है, मतलब ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया सामने देख के, तो मतलब मज़ा ही आ गया। अगर आपको कभी डॉग शो देखने का मौका मिलता है तो ज़रूर देखिएगा। और ऐसे ही ना फ्रेंड्स, हमने पूरा ये इवेंट बड़े मज़े से देखा। थोड़ी सी मैं शूटिंग भी कर पाई जो मैंने आपको दिखाई है, और कुछ मैंने ऐसे ही देखा, एंजॉय किया। और यहाँ पर देखिए प्रोग्राम खत्म होने के बाद ना सारे लाइन से खड़े हो गए और हम सब ने इनको बहुत प्यार किया। और मैंने इस वाले डॉक्टर संग तो हैंडशेक भी किया, भी दिखाती हूँ आपको, मेरे एक हाथ में फ़ोन भी है। और ये देखिए इसका हाथ इतना सॉफ्ट सा था, ये देखिए हैंडशेक भी किया इसने मेरे से, तो बड़ा मज़ा आया। ये देखिए हमने सेल्फी भी ली, बहुत सारी फोटोग्राफ्स वगैरह खींची। और फिर हम आगे निकल के आ गए तो यहाँ ना एक रोप मतलब रस्सी से एक ब्रिज बनाया हुआ था। नीचे आप देख सकते हैं सिंगल रोप है और ऊपर दो हैं, तो जो ये नॉट बंदी है ना इसमें पैर रख के आपको चलना होता है। देखिए सबने प्रैक्टिस कर ली थी, तो जब मेरी बारी आई तो मैंने की, तो उसका मैं आपके साथ देखिए वीडियो शेयर कर रही हूँ। शुरू में तो मुझे दो स्टेप पे डर लगा, फिर मैं फटाफट फटाफट चल गई क्योंकि ये सब करने में मुझे मज़ा बहुत आता है। तो विद इन अ मिनट फ्रेंड्स मैंने ये क्रॉस कर दिया और ये देखिए पूरा किया कंप्लीट। और सबने एक एक करके फ्रेंड्स किया था, ये देखिए। और फिर बारी आई इस ट्री पर चढ़ने की, तो ये देखिए हमारी सीनियर मैम है, ये चढ़ गई थी। उसके बाद मैंने भी सोचा कि मैं भी चढ़ के देखती हूँ, हालांकि मेरा फास्ट था बट मैंने मतलब छोड़ी नहीं हिम्मत और कंप्लीट किया। शुरू में तो ऐसा लग रहा था कि चढ़ नहीं पाऊंगी दो रस्से पर, फिर धीरे धीरे एक एक स्टेप पर पैर रखती गई और हाथों में बहुत जोर लगता है फ्रेंड्स। और मैं तो खाली पेट थी, सिर्फ दूध पीकर और एक केला खाकर आई थी, तो खैर उसका तो कोई वो नहीं है। आपके हाथों में अगर ताकत है और आपकी विल पावर स्ट्रांग है ना तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ये सब करके कुंग फान करने में तो मुझे वैसे ही बहुत मज़ा आता है। ये देखिए ऊपर तक चली गई थी, उसके बाद फिर नीचे आई, मैंने बोला सबको चिल्ला करके अरे मेरी फोटो तो खींच दो, सबने फोटो भी खींची और फिर धीरे धीरे करके नीचे आ गई। तो ये देखिए नीचे आते आते मैंने एक पूरा क्रॉस कर दिया कि फटाफट नीचे आ जाओ, और ये लीजिए कंप्लीट कर ही लिया मैंने एंड में। यहाँ पर देखिए ये कुछ बांधा हुआ है कि अगर इमरजेंसी में कुछ बांधना पड़े ना तो ऐसे बांध करके हम निकाल सकते हैं, तो ये हमें बता भी रहे हैं वहाँ के जो मेन है। और फिर आई बारी फ्रेंड्स ये रॉक क्लाइंबिंग की, जो कि हमारा मेन टारगेट था। तो देखिए हम दूर बैठे हैं और अभी देख रहे हैं कि भैया लोग कैसे चढ़ रहे हैं, क्योंकि इसके बाद हमें भी चढ़ना है। तो काफ़ी ऊंची ये रॉक है, देखने में छोटी लग रही है बट काफ़ी ऊंची है, और मैं फ्रेंड्स यकीन नहीं आया कि मैं इस पर क्रॉस करके इसे चढ़ कैसे गई। यहाँ पर देखिए सब देख रहे हैं कि भैया आ रही है हमारी बारी, तो मैं आपको थोड़ा सा ये वीडियो दिखा रही हूँ। ये देखिए उस वक्त बोल नहीं पाते फ्रेंड्स क्योंकि बहुत शोर हो रहा होता है, तो समझ में भी नहीं आता, मुझे ऑड भी बहुत लगता है, तो मैं वहाँ क्लिप शूट कर लाती हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने सब कुछ पहन लिया है, हेलमेट नी गार्ड और सब लगा लिया, और अब मैं चढ़ रही हूँ रॉक पर। तो जिनको मैंने कैमरा दिया ना उन्होंने सीधा करके बनाया है, बट मैं आपको दिखाऊंगी पूरा कि एक एक स्टेप को पार करके रस्सी को पकड़ करके कैसे मैंने ये रॉक पूरी चढ़ी। और जब घर आके फ्रेंड्स ये दिखाया ना तो कोई विश्वास नहीं मान रहा था कि तुम चढ़ गई, तो मैंने कहा भाई देखिए मैंने किया है और देखिए वीडियो सबूत है। तो शुरू शुरू में ना समझ में नहीं आता कि पैर कहाँ रखना है, तो नीचे से सब लोग गाइड कर रहे थे कि अब ये पकड़िए, फिर पत्थर का इस कोने पर पैर रख लीजिए, और इस तरीके से धीरे धीरे स्टेप्स बनाते जाइए। और धीरे धीरे मैं देखिए फ्रेंड्स चढ़ती जा रही हूँ, कहीं कहीं बीच में समझ में नहीं आता कि गिर गई तो क्या होगा, बट पूरी तरीके से सेफ्टी थी, हमने हार्नेस बांधी हुई थी, बट सक्सेसफुली मैंने इसको चढ़ा। और बहुत ही अच्छा ये एडवेंचर था, नया एक्सपीरियंस था, तो करना तो था और इसीलिए आई थी।
और देखिए कर दिखाया। और अब थोड़ी सी ही बची है फ्रेंड्स, देखिए जो वीडियो बना रहा है उसने आड़ा टेढ़ा जैसे बनाया है मुझे वो आपको दिखाना पड़ रहा है, क्योंकि मैंने ये कंप्लीट किया है, इसी की मुझे बहुत खुशी है और मुझे आपके सबको दिखानी थी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स मैंने ऑलमोस्ट कवर कर लिया है, तो देखिए केक बनाने वाली पहाड़ भी चढ़ सकती है। और यहाँ पर मेरे से चढ़ने से पहले ना मेरी एक सीनियर मैम भी चढ़ी थी, तो उनसे हिम्मत मिली और फिर मेरे चढ़ने के बाद और लोगों को हिम्मत बनी, तो उन लोगों ने भी इसे कंप्लीट किया। तिखी धूप है, बहुत धूप है, बहुत तेज धूप है, पहाड़ चढ़ करके हाथ हाथ दर्द कर रहे हैं, छिल गए हैं। और अब हम वापस वहीं जा रहे हैं जहाँ से आए थे, जहाँ पर डॉग्स वगैरह थे, ये सब लंच करेंगे, मेरा तो फास्ट है। तो देखिए अब हमारी हालत, चेहरों की हालत क्या हो गई है, पत्थर पहाड़ चढ़ चढ़ के हाथ पूरे गंदे हो गए हैं, छिल भी गए थे। और फाइनली हम आ गए हैं और सारे बेचारे भूखे जो हो गए हैं वो अब खाना लेके बैठ गए हैं, क्योंकि सुबह सब ऐसे ही भागे थे और पहाड़ चढ़ लिया, रस्सी पे बंध लिए, ब्रिज क्रॉस कर लिया, पेड़ पे लटक गए, तो सब कुछ करके हम थक चुके हैं। और मैं अपनी अलग जगह पे बैठी हुई हूँ, पर मैं यहाँ आई, मैंने कहा भाई आपकी क्लिप शूट करती हूँ। देखो बिरयानी है, वेज नॉन वेज, चिकन भी है, नॉन वेज वो जो उसकी वाला हमारा तो फास्ट है, हम ना वेज खाएंगे, नॉन वेज तो हम खाते ही नहीं। और इस तरीके से फ्रेंड्स 4 से 5 घंटे के बाद हम लोगों ने यहाँ से ली विदा और अब हम जा रहे हैं अपने घर की तरफ। और लास्ट में जाते जाते हमने सोचा एक सेल्फी ये सब ले लेते हैं, और फिर से हम अपनी बस में बैठ गए हैं और हमें शाम शाम में ही लौटना था फ्रेंड्स। तो अभी 3 बज रहे हैं, क्योंकि 4:30 4:45 पे अंधेरा हो जाता है, बच्चे घर पे अकेले थे। तो वही वाला ब्रिज है देखिए जहाँ से हमने क्रॉस किया था, तो लाइफ का पहला एडवेंचर था फ्रेंड्स ये मेरा, जो मैंने बहुत ही मज़ा मुझे आया और मैंने सोचा आपके साथ भी इसे शेयर करूँ। तो जितना मैं शूट कर पाई, जितना मैं आपको दिखा पाई, उम्मीद करती हूँ आपको जरूर से ज़रूर पसंद आया होगा। और ये वो ब्रिज है सामने से, देखिए हमारी बस में से कितना प्यारा सा नज़ारा आ रहा है। तो मैंने भैया को बोला भैया वो जो आपने बैग रखा है वो हटा दीजिए, तो फिर उन्होंने जब हटा दिया और ये देखिए साइड से ब्रह्मपुत्र के ऊपर से ये जो ब्रिज है ना, बहुत ही मज़ा आता है। फिर हमने गाने शुरू कर दिए, बाय बाय, भैया छोड़ देगा, बाय बाय, थैंक यू भैया। थके हारे पहुंच, पूरी पार्टी आ गई, बच्चे भी स्कूल से आ गए, बाय बाय, आगे उतरना, आप लोगों का स्टॉप आ गया है, बस थकाकत भरी है, रास्ते में उतर के आए हैं, बाय बाय, अरे जाओ भाई। थोड़ा हल्ला मचाते जाओ, अगल बगल वालों को बाय बाय। तो फाइनली फ्रेंड्स घर में आ गई हूँ, अंदर जाके बहुत थकान होगी। तो इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में कुछ ऐसे ही धमाकेदार देखने के लिए, बाय, टेक केयर।